नमस्कार मित्रों, बेस्ट प्लेसेस के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बटाला की मिनीचर केव्स देखने के लिए जा रहे हैं। मिनीचर केव मतलब लघु गुफा है। बटाला गांव महाराष्ट्र का एक छोटा सा देहात है जो महाराष्ट्र के चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट में वरवा तालुका में आता है। विदर्भ क्षेत्र में इस गाँव को आर्किटेक्चरल हेरिटेज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में इन मिनीचर केव्स के साथ साथ यहां का पुरातन भोंडा महादेव मंदिर और भवानी माता मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यहां के दोनों मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के रूप में जाने जाते हैं। इन मिनीचर केव्स के बारे में इंटरनेट पर मैंने काफ़ी जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। इसलिए मैंने 2012-13 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिव्यू पढ़ा और उसमें मुझे जो जानकारी मिली उस आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2012-13 में नागपुर यूनिवर्सिटी की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक टीम यहाँ के भवानी माता मंदिर के बैक साइड में कुछ खुदाई कर रही थी। उस दरमियान उस टीम को ये गुफाएं मिली थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो ये गुफाएं 34वीं से 8वीं शताब्दी की हो सकती है और इनका संबंध वाकाटक से लेकर राष्ट्रकूट राजवंशों से हो सकता है। लीजिए, हम बटाला की मिनीचर केव वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। यह यहाँ की गुफा नंबर 3 और 4 है जो दक्षिण मुखी है और विशेष उल्लेख की पात्र है, क्योंकि दोनों गुफाओं को चंद्राकार में एक ही चट्टान में उकेरा गया है। बीच की गुफा में उच्च पीठिका पर गणेश विराजमान है। इस पूर्वी सेल को नंबर 3 का नाम दिया गया है। यहाँ उत्तर की ओर बहने वाली जलहरी वाले योनिपीठ के साथ एक शिवलिंग को संरक्षित किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि एक पूर्ण विकसित कम्बल इस गुफा की छत पर खुदा हुआ है और गुफा का मुख तालाब की दक्षिण की ओर है। बटाला की इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर 20 के करीब रॉक कट मिनीचर केव की एक श्रृंखला है। ये सारी गुफाएं सैंडस्टोन में खुदी हुई है और इस अर्धगोलाकार तालाब के चारों ओर फैली हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से इस प्रकार की लघु गुफाओं को भारतीय कला में बहुत कम देखा जाता है, इसलिए ये बहुत शक्य है कि वाकाटक कलाकार जब भी अपनी कला कहीं और दिखाने जाते हो उसके पहले यहाँ प्रैक्टिस करते होंगे। या ये भी हो सकता है कि ये गुफाओं बनाने का एक ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है। बटाला की इन मिनीचर केव्स में बनी शिवलिंग जो है बाकी शिवलिंग से थोड़े अलग है, क्योंकि यहाँ पे चतुर्भुज शिवलिंग है जबकि हमारे जो शिवलिंग्स होते हैं वो सर्कुलर या सेमी सर्कुलर होते हैं और उसमें एक जलवायु भी होती है। यहाँ लगभग सारी गुफाओं में शिवलिंग पाए जाते हैं। यहाँ की गुफा नंबर 4 में उत्तरमुखी ललितासन पर बैठी एक चतुर्भुजी नरसिंह की चट्टानी मूर्ति भी है, जिसके ऊपरी दाहिना हाथ में चक्र जबकि उसके ऊपरी बाया हाथ में एक शंख है। उसका निचला बाया हाथ उनकी जांघ पर टिका हुआ है जबकि निचला दाहिना हाथ में गदा है। इस मूर्ति की जटाओं को बहुत ही क्रूर रूप से प्रभावित करते हुए दिखाया गया है और गर्दन के आभूषणों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। यह मूर्ति योजना पवित्र कंगना और अन्य आभूषण से सुशोभित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यह साइट अब महाराष्ट्र सरकार के स्वाधीन है और यहाँ की देखभाल महाराष्ट्र सरकार के हवाले है।
पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों को लगता है कि भटाला और आसपास के क्षेत्र में विशेष खुदाई हुई नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छी तरह से अगर शोध हो तो यहाँ पे कई महत्व की चीजें मिल सकती हैं और इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है जा सकता है। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।